नमस्कार टॉरस राशि के मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं बात कर रहा हूँ आपकी राशि के बारे में, दिसंबर के महीने के बारे में, 2017 के बारे में। इस 2017 का आखिरी महीना, दिसंबर का महीना, आपकी राशि, आपकी लगन के लिए, आपके सन साइन के लिए, आपके नेम साइन के लिए कैसा रहेगा, तो मैं बता दूँ कि ये महीना आपके लिए एक चैलेंज से भरा हुआ, चैलेंजिंग मंथ जिसको हम कह सकते हैं वो रहेगा। इस समय के दौरान आपको सबसे पहले जो है वो हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। सेहत शायद अपने कारण से ना हो, लेकिन एक्सटर्नल कारण और बहुत सारे जुड़े हुए कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक मानसिक और फिजिकल तौर पे आप कहीं ना कहीं कमजोर, वीक महसूस करेंगे। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उन अननेसेसरी चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकालें, उन चीज़ों के ऊपर सोच विचार ना करें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या करें, इस बार आपको अपने बच्चों को लेकर परेशानी होने वाली है, बच्चों से मतभेद हो सकते हैं, उनके साथ झगड़ा हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है। बच्चे चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि बच्चे कहीं दूर जाएं, लेकिन बच्चे चाहते हैं कोई तो कनाडा, अमेरिका, ना जाने कौन से कंट्री में जाके फर्दर एजुकेशन लेनी है, जॉब करनी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके पास रहें। और आप कहीं ना कहीं अगर मान भी जाते हैं तो, लेकिन होता है कि वो कैसे करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे, यहाँ फ्रेश खाना मिलता वहाँ कैसे होगा, कैसे रहेंगे, हमारा तो वहाँ पर कोई नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस बार आपके सामने कहीं ना कहीं आने वाली हैं। और जहाँ तक है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अच्छा मंथ नहीं है, इसमें मिसकैरेज के, अबॉर्शन के चांसेस बन गए, टर्मिनेट हो सकती है आपकी प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो ये बच्चों से जुड़ी जो स्थिति है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस महीने में बहुत बड़ा एक रोल, नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। तो कॉम्प्लिकेशन हैविंग प्रेगनेंट, तो ये भी सारी चीज़ें, उसके लिए आपको शायद मेडिकल सहायता की जरूरत पड़े। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि जब समय अच्छा नहीं होता है तो उसमें जो सहायता आप चाहते हैं, जो सहायता कर सकती हैं चीज़ें, कई बार वो भी काम नहीं करती हैं। तो कई बार पेशेंस सबसे बड़ा जो है, दवाई जो है, यंत्र जो मंत्र है, वो आपके लिए बन जाता है। तो इस चीज़ का आपने अगर फॉलो करेंगे तो इसका निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। धन की हालत निश्चित तौर पर आपकी ठीक रहने वाली है, आप धन की हालत को मेंटेन कर पाएंगे। और यहाँ तक अगर आप कोई लोन लेने वाले हैं, आप कोई मोर्गेज चाहते हैं, आपकी अप्रूव हो जाए तो उसके अप्रूवल होने के चांसेस मिलेंगे और उससे आप अपने रुके हुए कामों को कर पाएंगे। वहीं जॉब में जहाँ आपको के लिए उत्तम समय है, वहीं मैं कहूँगा बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम समय है। उसमें आपको खर्चा करने पड़ेगा, लेकिन एक परमानेंट आप अपनी जो आमदन है उसको बना सकते हैं। तो जॉब के, बिजनेस के लिए उत्तम समय, और बिजनेस की कोई नई डील, कोई नई ऑफर आपके सामने आ सकती है। अगर आपको लगता है कि ये आपको सूट करती है, तो निश्चित तौर पे आपको इसको ग्रैब करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम कुछ चीज़ तो है जो आपके लिए अच्छी है। नौकरी के लिए मिल सितारा उत्तम है, तो इसका मतलब कि वहाँ आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन आप अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर पाएंगे। पार्टनर की हेल्थ, जैसे प्रेगनेंसी की बात की बच्चों की, वहीं पार्टनर की हेल्थ का भी मसला रहेगा, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, इधर वे वहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ रहेगा। और साथ साथ आर्गूमेंट की स्थिति रहेगी, झगड़े की स्थिति रहेगी, तो खास तौर पे आपको अपने गुस्से पे, क्योंकि ये माना जाता है टॉरस जो है वो अपनी पीस के लिए, अपनी कामनेस के लिए फेमस हैं, वो जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने इस लॉ को ब्रेक ना करें, तो जो आपके लिए अच्छा होगा। वहीं शादी के लिए ये समय बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अगर आपने कुछ प्लान कर लिया है करने वाले, तो इंतज़ार करें, थोड़ा पोस्टपोन कर दें इस मैटर को, तो आपके लिए अच्छा होगा, जिससे आपकी बात बनेगी। आने वाली मुश्किलों से बचने का एक ही तरीका होता है कि जब कोई चीज़ समय में ना आए तो उसके ऊपर बैठकर चिंतन मंथन किया जाए और कोई भी स्टेप ना लिया जाए। जब आप मेक श्योर कर नहीं लेते, आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हाँ ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। खैर, वो आपने देखना है, आपके पास एक्सपीरियंस है, छोटे बच्चों की हेल्थ का तो आपने ध्यान रखना ही है। वहीं मैं कहूँगा कि अगर मुश्किलें बढ़ रही हैं, मुश्किल में है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए एक उत्तम उपाय हो सकता है माँ का आशीर्वाद। इस समय माँ का आशीर्वाद लेना आपके लिए उत्तम रहेगा, माँ का साथ भी आपको मिलेगा। तो यही आपके इस महीने का उपाय होगा, जिसको करके आप अपने सामने जो मुश्किलें हैं उससे बाहर आ पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपनों को जरूर सजेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं हाजिर हूँगा आपकी 2018 की ईयरली फॉरकास्ट लेके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।